बनाया था याद है ना, बहुत अच्छे से याद है, तो जाओ जाके पूरा करो। जाओ हुक्म मेरे आका, चलो। तुम्हारे पास जितना भी माल पानी समझ करो। ये लो पानी, लेकिन माल मेरे पास नहीं, मेरे दोस्त के पास है, वो दो दो पटाके रखा है। अबे वो माल नहीं, माल मतलब पैसा, पैसा जितना भी पैसा समझ करो। पैसा? हाँ, साला मेहनत की हम, मजदूरी की हम, तुमको पैसा क्यों दबे? हम राचे नहीं, भुखा, मेरा नाम है लुखा, ज्यादा बोलेगा तो मारेंगे एक मुक्का। ये मजदूर का हाथ है, हाँ मालूम है, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है। अबे वो तो सनी देओल का डायलॉग है, मेरा डायलॉग सुनो। ये मजदूर का हाथ है, एक बार में एक बोरा चावल उठाता है। अच्छा, लुखा भाई का बंदूक है, एक गोली में ये हाथ किसी काम का नहीं रहेगा। चलो तुम्हारे पास जितना पैसा समझ लो। हाँ रहते नहीं भूखा, मेरा नाम है लुखा, बचपन से लेकर आते जितना कमाया सब निकालो। अरे भाई हम कमाते नहीं है, तू क्या करता है? हम किसान है, खेती करते हैं। अच्छा, खेती करते हैं? हाँ, तो जितना भी खेत है सब मेरे नाम पे करो। हाँ, जितना भी खेत है सब मेरे नाम पे करो। अरे भाई मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ तो मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन भाई आपका तो शादी कोई नहीं है। शादी होगा ना, अभी बात चल रहा है, मेरा भी छोटा छोटा बच्चा होगा, जितना भी जमे सब मेरे नाम पे करो। हे भगवान, इस लुखा से बचाने के लिए किसी को तो भेजो, कोई बचाने नहीं आएगा। आएगा क्या? आ गया। कौन है? दौड़ क्यों रहे? हम तो क्रेज है। देखो क्रेज, तुम हमको अकेला मत समझो। अभी अकेले, लेकिन फिर भी अकेला मत समझो, मेरे पीछे बहुत आदमी काम करता है। अबे तेरे पीछे जितना भी आदमी काम करता है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन तू साला मजदूर और गरीब पर अत्याचार करता है, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्या बोले थे क्रिस? तुम हमको अकेला मत समझो, देखो मेरे पीछे कितना आदमी है। अब तुम हो गए यहाँ पे अकेला, रे सुला दे इसको। सोजा बाबू, सोजा रे, सोजा बाबू। अबे ये क्या कर रहा है? आप ही तो बोले कि जाके सुला दो, तो सुला रहे हैं। अबे ये सुलाना नहीं, सुलाना मतलब जान से मार दो। अच्छा, अबे क्रिस को मारना इतना आसान नहीं। आज के बाद गरीब आदमी पर अत्याचार नहीं करना, बोल देना उस लुखा भाई को। ठीक है क्रिस, चलो निकलो। बच गए यार। ये देखो क्रिस ने मेरा क्या हाल कर दिया। आज के बाद क्रिस से कभी नहीं लड़ने बोलना। अबे हम कहाँ लड़ने बोले थे? तो खुद हीरो ये दिखाने आ गया था, क्रिस से लड़ेगा यही होगा ना। ये ना 500 रुपए, या मेरे लिए खा लेगा। ये लो।
रास्ते में भूखा मां नाम लिखा पता है ना, हमेशा खाना साथ में लेके घूमना। क्या कर रहा है? रास्ते में भूखा मां नाम लिखा, ये खाना सिर्फ हम खाएंगे समझा। रतन है भूखा मेरा नाम है लुखा, तो हम क्या करें? तुम कुछ मत करो। ये गाड़ी कितने की है? 2 लाख की। 2 लाख? 2 लाख में जितना सारा खाना देगा, कभी भूखा नहीं रहेगी। एक काम करो, चाबी दो और चुत्ता से निकलो, चल जाओ। देखा देखा, बुड़बक बना के चला गया ना। चलो अरे, ये तो लोग कौन है? लगता है दूसरा दुनिया का आदमी है भाई। अच्छा चलो उसका पीछा क्यों कर रहे हैं? साला आखिर ये लोग है कौन और जा कहाँ रहा है? कोई भी है, कहीं भी जा रहा होगा, उससे हमको क्या मतलब। चलो हम लोग अपना काम करते हैं। सही बोला, चलो। क्रिस, हर बात पे हीरो को ये दिखाना अच्छा बात नहीं है। 2 मिनट रुको, अभी आते हैं। अरे तुमको क्या हुआ? आप आने में इतना लेट कर दिए कि वो लोग मेरा खेल खत्म कर दिए। अच्छा, कौन सा खेल खेल रहा था रे? मारा पीटी। साला चार आदमी से अकेले मारा पीटी करेगा तो क्या होगा? चलो उठो, उठ जाओ, अपना इलाज कर लेना। छोड़ो, पानी लाओ। पानी? पानी तो कप में खत्म हो गया। ये देखिए खाली बोतल बचा हुआ है। अरे यार, मेरा नाम है लुखा, रहते नहीं भूखा, प्यासा भी नहीं रहते। जाओ कहीं से पानी ले गया। ये जंगल में पानी कहाँ से लाए? हमको क्या पता, कहीं से भी ले गया। मिल गया पानी। हाँ, वो देखिए चाय का दुकान, वहाँ पानी जरूर होगा। चलिए आइए। रुको, इतना खतरनाक जगह में इसका चाय खरीदता कौन होगा? अरे कोई भी खरीदता होगा, उससे हमको क्या मतलब। आपको पानी पीना है ना, चलिए आइए। हम रहते नहीं भूखा, मेरा नाम है लुखा, लेकिन यहाँ रहना पड़ेगा भूखा, क्योंकि यहाँ सिर्फ चाय मिलता है। हमको चाय नहीं पीना है, पानी पीना है। पानी पिला। यहाँ पानी नहीं मिलता, यहाँ सिर्फ चाय मिलता है। हाँ तो चाय बनाने के लिए पानी लगता है ना भाई? नहीं नहीं, हम दूध का चाय बनाते हैं। हाँ तो दूध में थोड़ा बहुत पानी मिलाता होगा ना? नहीं नहीं, हम प्योर दूध का चाय बनाते हैं।
ठीक है एक काम करो, चाय तो हम पीते नहीं, तुम दूध ही पिला दो। दूध नहीं है। नहीं अभी तूने बोला दूध का चाय बनाते हैं। हाँ तो दूध का चाय बना दिया, दूध खत्म हो गया। चलो गजब आदमी, कुछ तो पीना पड़ेगा। ठीक है तुम चाय पिला दो। एक मिनट रुको, कहाँ जा रहा है? चाय लाने। हेलो भाई साहब, थैंक यू। सर ये कैसे चाय पूरा घटिया लग रहा है पीने में? देखो भाई साहब ये जंगली चाय है, यहाँ ऐसा ही मिलता है। निकालो 2000। 2000? एक कप चाय का 2000? तो क्या आसपास को दुकान दिख रहा है? नहीं दिख तो नहीं रहा। हम यहाँ अकेले चाय बेचते हैं और एक चाय का 2000 लेते हैं। निकालो 2000। तू सारा चाय बनाता है कि हमको बनाता है? जब आदमी बड़े 2000 साला फालतू दुकान फालतू जाए। साला फालतू चाय। अंगूठी अच्छा संभाल के रखा है ना? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम उसका बहुत अच्छा से रखे हैं। आप बेफिक्र रहिए। चलो बहुत अच्छा, अगर वो अंगूठी गलत आदमी के हाथ में लग गया पूरा दुनिया को बर्बाद कर देगा, इसीलिए उसको अच्छा से रखना। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, उसको हम बहुत अच्छा से रखे हैं। बहुत अच्छा, हमको तुम पे विश्वास है, अच्छा संभाल के रखो। अच्छा तो वो अंगूठी इसके पास है, चलो आ जाओ। अबे चलो अंगूठी निकालो। कौन सा अंगूठी? हम सब जानते हैं, वो अंगूठी निकालो। भाई साहब हम यहाँ चाय बेचते हैं, अंगूठी के बारे हमको नहीं पता। साला हमको बुरा समझा है, साला इतना घना जंगल में तेरा चाय कौन खरीदता है? भाई साहब मुझे कोई अंगूठी के बारे में नहीं पता। भाई साहब भाई साहब रुको, हम अभी बताते हैं अंगूठी कहाँ है। चल जल्दी बता, आइए मेरे साथ। मिल गया अंगूठी। रुको, आखिर अंगूठी में ऐसा है क्या? एक बार पहन के देखते हैं। देखा अंगूठी का पावर। चलो बुढ़ा कैसे हो गया? हम जादू नहीं है। तो कौन है? हम उसका दादू। दादू?
तो जादू कहाँ है? जादू शादी ब्याह के सेटल हो गया है, तुम भी शादी ब्याह करो और सेटल हो जाओ, ऐसा उड़ने पुड़ने से काम नहीं चलेगा। मेरा तो शादी हो चुका है दादू। शादी हो चुका है तो बीवी कहाँ है? बीवी घर में। बीवी घर में, तू यहाँ क्या करा? जब बीवी के साथ रहो। दिन भर बीवी के साथ में रहेंगे तो काम कौन करेगा दादू? हम यहाँ अंगूठी लेने के लिए, वो अंगूठी गलत आदमी के हाथ में चला गया है, वो पूरा दुनिया को बर्बाद कर देगा, हमको जल्दी जाना होगा। दादू आपसे बात करते हैं। जल्दी से वो अंगूठी मुझे दे दो। ये लीजिए। ये वो अंगूठी नहीं है, असली अंगूठी कहाँ है? असली अंगूठी यहाँ है। चलो जल्दी से वो अंगूठी मुझे दे दो। अब ये अंगूठी किसी को नहीं देंगे, ये अंगूठी मेरा हो गया है। हमसे गद्दारी करेगा तुमको एक झटका में खत्म कर देंगे। तुम शायद भूल रहा है, ये अंगूठी मेरे पास है, अब हमको कोई नहीं मार सकता है। अच्छा तो बच के दिखा। जैसे अंगूठी मुझे दे दो। इतना मुश्किल से अंगूठी हासिल किए है, तुमको कैसे दे दे? अबे देगा कि नहीं? नहीं देंगे। तो साला मरने के लिए तैयार हो जाओ। चलो देखते हैं कौन मरता है। तुम इसको अकेले नहीं मार पाएगा। तो ये कैसे मरेगा? इसको मारने के लिए हम दोनों को एक होना पड़ेगा। अच्छा हाँ, तो चलिए हो जाइए एक। ये अंगूठी मुझे दे दो, तुम लोग इसे नहीं संभाल पाएगा। ठीक है दादू, ये लीजिए, अच्छा संभाल के रखिएगा।